अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जो रेसिपी बनाएंगे इसका नाम है आलू के मलाई वाले कोफ्ते। ये हमारी फैमिली की बहुत ही फेवरेट डिश है और इसे सब बच्चे बड़े फरमाइश करके बनवाते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले तो हम कोफ्ते बनाएंगे आलू के होंगे वो। उसके लिए हमें बॉयल्ड आलू चाहिए जो कि मैंने 1 kg लिए हैं और उनको मैश कर लिया है। इसके लिए 1 teaspoon मैं सॉल्ट लूंगी। इसमें मैंने चूंकि चिकन क्यूब भी यूज करनी है इसलिए मैंने सॉल्ट की मिकदार थोड़ी कम रखी है। रेड क्रश चिलीज होंगी ये 1 teaspoon है और हरा धनिया चॉप किया हुआ चाहिए होगा 2 tablespoon ले लेंगे। चिकन क्यूब चाहिए होंगे 2 और ग्रीन चिलीज हैं वो चॉप कर लें। 2 अंडे हैं वो बीट करके रख लें। इसके अलावा हमें मलाई या क्रीम जो आप इसमें शामिल करेंगे वो चाहिए होगी और ब्रेड क्रम्स, 1 packet ब्रेड क्रम्स का आप ले लें। मैंने भुना और कुटा हुआ सफेद जीरा और सूखा धनिया साबुत भुना और कुटा हुआ लिया है। ये हमें 1.5 tablespoon के करीब चाहिए होगा। पिसा हुआ गरम मसाला ये 1 teaspoon चाहिए। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। वो ये सब इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। ब्राउन प्याज 1 cup, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 tablespoon, सॉल्ट 1 teaspoon, 1/2 kg टमाटो, हरी मिर्चे 3-4 और हरा धनिया बारीक चॉप हुआ हुआ और रेड चिलीज 1.5 teaspoon। और इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए कुकिंग के लिए। अब हम सारे मसाले आलू में शामिल करेंगे। ये देखें इसमें हरा धनिया और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चे, नमक, सूखा धनिया और सफेद जीरा का जो हमने पाउडर बनाया था वो इसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा रेड क्रश चिलीज भी हम इसमें शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने चिकन क्यूब लिए हैं 2 और उसको हल्के से गर्म नीम गर्म पानी में 1-2 चम्मच पानी लेकर उसको उसमें मैश कर लिया है और अब हम ये भी इस मिक्सचर के अंदर आलू के मिक्सचर के अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और कबाब बनाएंगे। ये देखिए आपके सामने मैं बनाने लगी हूँ आलू का मलाई वाला कोफ्ता। किस तरह से बनेगा, इस तरह से आप आलू लेकर हाथ में इस तरह से गड़ा बना लें। उसके बाद मलाई जो है वो इसके अंदर इस तरह रखें और इसको बंद कर लें इस तरह से। अगर ये थोड़ी सी निकले तो आप इसके ऊपर मजीद मिक्सचर लगाकर तो इसको सील कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम अंडे का मिक्सचर और ब्रेड क्रम्स लगाकर तो इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखें हम ये अपने आलू के जो कबाब हैं इनको पहले जो अंडे हमने फेंटे थे उसमें रोल करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल कर तो फिर हम इसको ऑयल पैन में गर्म करके इसको फ्राई करेंगे। ये देखें अब इस तरह से इसको पहले आपने अंडे में करना है, उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में करना है रोल इस तरह। अब ये देखें जब ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब ये फ्राई हो रहे हैं, देखें इस तरह से इसकी साइड चेंज करें साथ साथ। अब ये देखें इस तरह से मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ आपके सामने। एक ये भी हुई नहीं है, चेक कर लें जब गोल्डन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करें ताकि ये चारों तरफ से सेट हो जाए। ये देखें इस तरह से हमारे मलाई वाले कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हमने इसके लिए ग्रेवी तैयार करनी है। अब वो आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से बनेगा। अब देखिए हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें हम 3/4 cup के करीब
डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून सॉल्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे। मसाला बनेगा। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि ये टमाटर जो है ये अपनी स्टीम में थोड़े से नरम हो जाएं। ये देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए कवर करके इसको मैं बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर आलू के जो मलाई वाले कोफ्ते हैं वो इस मसाले के अंदर जब टमाटर गल गए थे तो फिर मैंने ब्राउन प्याज शामिल किया था और फिर मैंने इसके बाद ये मलाई वाले कोफ्ते इस मसाले के अंदर सेट कर दिए सारे इस तरह से। अब मैं इनको हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम दूंगी और फिर इनकी साइड चेंज करूंगी और डिश आउट करूंगी।